उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर और भी तेज हो गया है। दरअसल रविवार को सपा बसपा समेत अन्य दलों से आए 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें सबसे चर्चित नाम कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान है। निदा खान सियासी संगठन इत्तिहाद ए मिलत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा खान के भतीजे तलाकशुदा पत्नी है। वो मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक कानून के पक्ष में मुहिम चलाने के बाद चर्चा में आई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि तीन तलाक का कानून ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करा है और जो सबसे बड़ा और महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट इन जैसी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है और ये देखा भी गया है साथ ही साथ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को कभी भी किसी और वक्त समझ के पार्शियलिटी नहीं करी है और उनके साथ जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास उसके साथ ही उन्होंने काम आगे बढ़ाया। बता दें कि आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान और अंजुम मियां के पुत्र शिरीन रजा खान के साथ निदा खान का निकाह हुआ था। मौलाना उस्मान आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान के बड़े भाई हैं। इस नाते निदा खान मौलाना तौकीर रजा की बहू होती थी। निदा खान का शिरीन से करीब साल भर पहले तलाक हो गया था। मामला तीन तलाक का बना। इसके बाद निदा ने लंबी लड़ाई लड़ी। उनका मामला आज भी अदालत में चल रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खान और अन्य दलों से आए नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया। इनमें पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति बसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी रहे गंगाराम अम्बेडकर और सपा की लोहिया वानी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल समेत अन्य दलों के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली।